समय से राइड पे नहीं गया, इसलिए मैं सोचा कि चलो अभी फ्री था तो हो के आते हैं। सुबह का सनराइज कर चुका हूँ, अभी निकल रहा हूँ। 12 बज रहे हैं और एक फ्रेंड को पिक करना है। पहले तो पनवेल जाना है, वो काफ़ी लंबा राइड है। लेट्स सी, मज़ा आने वाला है। नाइट ट्रैक करने वाले हैं वापस से। वैसे ज़रूरत चीज़ें तो ले चुका हूँ, हेडफोन्स ले लिया और चाबी, ट्राईपॉड और टॉर्च भी ले लिया हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। काफ़ी अंधेरा होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून। सो रेडी है, निकलते हैं, मिलते हैं अमृतसर पे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूँ पाम बीच रोड पे और मेरा फ्रेंड की राह देख रहा हूँ मैं। मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा आजकल काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से उस चीज़ को देखते हुए वीडियो नहीं बनाया। बट अभी मेरे साथ मेरा फ्रेंड जुड़ने वाला है तो वो ज़रूर वीडियो बनाएगा। शाम से कुछ खाया नहीं था, सोचे यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाए, तो नूडल्स खाए हमने। बाकी टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। सो गाइस, वी रीच्ड माथेरान और समय कुछ 4:30 हो रहा है। ये बोल रहे हैं 500 रुपये का एक रूम मिलता है। सो गाइस, आपको अगर स्टे करना है तो आप स्टे कर सकते हो। तो जा रहे अपन, पहले मार्केट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ईस्ट वेस्ट देखते ना। वैसे भी अपने पास स्काई मैप है तो मेरे को तो पता भी चल जाएगा। ये माथेरान मार्केट है क्या? हाँ, ये माथेरान मार्केट है भाई। यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, ये स्वाद है ना। सो बच चुके हैं अभी 6। अजान की आवाज़ आ रही है और बेसिकली अभी हमको और पहुंचने में 40 मिनट्स तो लगेगा ही। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है, बारिश में बंद रहती है, बाकी सभी समय चलती है। टिकट 50 रुपीज़ है इसका। सो फाइनली वी अराइव ऑन सनराइज पॉइंट। यहाँ से 2 मिनट की दूरी है, वैसे तो अभी और आधा घंटा है सन को राइज होने में। हे गाइस, तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये रास्ता और मैं तो स्काई मैप के इससे आ रहा था। लास्ट टाइम भी वही आए, आज मेरा सेकेंड टाइम है सनराइज पॉइंट पे और लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले आया था।
को तो ड्राइवर भी लोग मिलेगा तो पॉइंट यूज पॉइंट और सनसेट पॉइंट विंडर पॉइंट फॉर जी पॉइंट फॉर माथेरान ही एक ऐसे जंगल है जहाँ पर बंदर और कुत्तों के अलावा और कोई जानवर दिखे नहीं है। अभी हम पहुँच गए शार्लेट लेक और आपको छोटी सी झील जैसा पानी दिख रहा है। क्रोकोडाइल थी तुम्हें देखो ये बारिश में यहाँ तक पानी भरा है। बस ज्यादा ऊपर रहा ना तो फिर पहुंचते चलाना मतलब घूम के सब ऊपर चढ़ती है ना तो वहाँ सेकंड पे भी चला सकते हैं फिर फर्स्ट पे ये थर्ड पे तो नहीं जाना चाहिए भाई। एक बच्चे टोस्ट थोड़ी चॉकलेट सैंडविच नहीं बे महंगी छोड़ भारत नहीं है। तो आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो या ना हो लाइक ज़रूर दब जाना चाहिए और सब्सक्राइब भी। सो गाइस अभी हम बैठे हैं स्वाद वेज रेस्टोरेंट में। यहाँ पर काफ़ी अच्छा घरगुती खाना मिलता है और अभी हमने ऑर्डर किया है पिटला भाकरी। लेट्स टेस्ट। मैंने इसके पहले जब भी यहाँ पर आया हूँ तो मसाला बैगन खाया हूँ काफ़ी यम्मी। सो गाइस टेस्ट करते हैं। गरम है क्या? नहीं नाइस है। आ जाओ आप भी खा लो। Let's go.